क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने दिल्ली जैसे शहर को दहशत में डाल दिया था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब रोड पर चल रहे राहगीरों को इंसानी शरीर के टुकड़े मिलने लगे थे। पुलिस ने जिस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन की ये भी काबिले तारीफ थी। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट नितिन कुमार केस। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के उत्तर दिशा के एक इलाके से। इलाके का नाम है आउटर रिंग रोड। 31 मार्च 2017 सुबह सुबह का समय था, 6 बज रहे थे। अखबार वाले, दूध वाले, ऑटो ड्राइवर्स सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। रोड पर धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने भी शुरू हो चुके थे। तभी एक ऑटो ड्राइवर किसी काम से रोड के किनारे पर रुकते हैं। वहीं फुटपाथ पर एक फुटबॉल जैसी चीज पड़ी हुई थी। ऑटो ड्राइवर की नज़र उस फुटबॉल जैसी चीज पर पड़ती है। ये पास जाते हैं और उसे ठीक से देखने की कोशिश करते हैं। उसे देखते ही इनकी चीख निकल जाती है। वहीं आसपास कुछ लोग घूम फिर रहे थे। ऑटो ड्राइवर की चीख सुनकर के ये लोग भी वहां पर जाते हैं। इनके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फुटबॉल जैसे दिखने वाली चीज किसी इंसान का कटा हुआ सर था। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा होने लगी थी। पुलिस सर को कब्जे में लेती है। उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, पहचानने लायक नहीं था। इसके बाद पुलिस आसपास थोड़ी छानबीन करती है, शायद बाकी के अंग भी मिल जाएं। इतने में पुलिस को एक और कॉल आता है। ये कॉल गांधी विहार नाम की जगह से था, जो ज्यादा दूर नहीं था। कुछ कूड़े बीनने वाले लोग गांधी विहार में एक कूड़े के ढेर के आसपास घूम रहे थे। तभी इनकी नज़र एक काले रंग के प्लास्टिक बैग पर पड़ती है। उसमें से लाल रंग का पदार्थ रिस रहा था। देखने से लग गया कि यह खून है। ये कूड़े बीनने वाले लोग तुरंत वहां आसपास से गुजर रहे लोगों को इस बारे में बताते हैं। इसके बाद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। यहां प्लास्टिक बैग में से दो इंसानी पैर मिलते हैं। इतने में पुलिस को एक और कॉल आता है। पुलिस बताई हुई जगह पर पहुंचती है। ये जगह वजीराबाद फ्लाईओवर के नीचे की थी। खबर मिलते ही तिमारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। यहां से पुलिस को इंसानी धड़ मिलता है। धड़ यानी सर के नीचे और पैर के ऊपर का हिस्सा। पुलिस धड़ को कब्जे में लेती है और हॉस्पिटल में भेज देती है। थोड़ी ही देर में एक और कॉल मजनू का टीला नाम की जगह से आता है। पुलिस यहां पर भी जाती है। यहां से दो इंसानी हाथ मिलते हैं। अब पुलिस को शरीर के सारे अंग मिल चुके थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अंगों को अरेंज करने का और बाकी के फॉरेंसिक चीजों की जाँच शुरू करते हैं। इधर पुलिस की कई सारी टीम जहां जहां से अंग बरामद हुए थे वहां वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। शायद कातिल का कोई सुराग मिल जाए या फिर विक्टिम से रिलेटेड ही कुछ मिल जाए जिससे उसकी पहचान कर सकें, क्योंकि चेहरा तो बिल्कुल पहचानने लायक नहीं था। कातिल ने चेहरे को बिगाड़ दिया था। वहां आसपास के लोग बिल्कुल सन्न थे कि ऐसे कैसे कोई दिन दहाड़े इंसानी अंग रखकर चला गया और किसी ने देखा भी नहीं। ये कोई आउटर एरिया नहीं था जहां पर लोगों का आना जाना कम हो, बल्कि ये ऐसी जगह थी जहां पर आधी रात को भी लोग जगे रहते हैं। जब शरीर के अंग अरेंज हो गए तो पुलिस शव को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है। बताते हैं कि लाश किसी 25 से 26 साल के नौजवान आदमी की लग रही है। पुलिस उस शरीर के ऊपर अपनी नजरें दौड़ाती है। एक ऑफिसर की नज़र शव के राइट हैंड पर पड़ती है। उस पर टैटू बना हुआ था। लिखा था ओम साई राम। केवल यही चीज थी जो शायद इन्वेस्टिगेशन को लीड दे सकती थी, क्योंकि चेहरा पहचानने लायक नहीं था। शव के पास से भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान कर सकें। अब केवल यही इन्फॉर्मेशन थी कि 25 साल का एक नौजवान लड़का है, उसके राइट हैंड पर ओम साई राम नाम का टैटू बना हुआ है। इसी बलबूते पर पुलिस टुकड़े मिलने वाली जगहों के सारे आसपास के बस्तियों को छानना शुरू कर देती है। ये बस्तियां रिंग रोड के आसपास में थीं। पुलिस वहां के अपने सारे खबरियों को भी काम पर लगा देती है। अलग अलग जगहों के पुलिस स्टेशन में भी पता किया जाता है। शायद घर वालों ने एक नौजवान लड़के की मिसिंग कंप्लेंट कराई हो। पुलिस बहुत प्रयास करती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। वहां आसपास के सारे इलाके छान लिए गए, लेकिन वो 25 साल का नौजवान लड़का जिसके राइट हैंड पर ओम साई राम नाम का टैटू बना हो, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक एक करके पुलिस और इनके मुखबिर इलाकों को देख रहे थे। अब केवल एक या दो बस्ती ही बची हुई थी। अगर यहाँ से भी बॉडी की पहचान नहीं हुई तो शायद शव को कहीं और से लाया गया होगा। उन बची हुई बस्तियों का नाम था संत नगर और बुरारी। बुरारी का नाम तो आपने सुना ही होगा। पुलिस के मुखबिर यहाँ पर जाते हैं, अपनी छानबीन शुरू करते हैं। कहीं से मुखबिरों को पता चलता है कि संत नगर में एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 25 से 26 साल है और इसके राइट हैंड पर ओम साई राम नाम का टैटू भी बना हुआ है। ये किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता है। ये सारी बातें मुखबिरों के जरिए पुलिस को पता चलती है।
वैसे शव को मिले केवल 24 या 25 घंटे ही हुए थे और पुलिस ने ऐसी लीडिंग इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम संत नगर में जाती है। वैसे उस लड़के का नाम था नितिन। पुलिस की एक टीम नितिन के घर पर जाती है। घर वालों से पूछा जाता है कि नितिन कहाँ पर है। घर वाले कहते हैं कि वो तो एक या दो दिन से घर पर नहीं आया। पुलिस पूछती है, आपने उसकी मिसिंग कंप्लेन क्यों नहीं कराई? घर के लोग कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल उसका काम ही कुछ ऐसा है, वो कई दिनों तक घर से दूर रहता है। वैसे पुलिस ने पहले ही शव के हाथ पर बने उस टैटू की फोटो खींच रखी थी। ये फोटो घर वालों को दिखाई जाती है। नितिन का भाई पहचान जाता है कि ये टैटू तो नितिन के हाथ पर भी बना हुआ है और इसी स्टाइल में बना है। अब बहुत ज्यादा चांस था कि ये टुकड़े नितिन के ही हैं। पुलिस नितिन के भाई को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। शव को दिखाया जाता है। चेहरा तो पहचानने लायक नहीं था, लेकिन नितिन के भाई ने बॉडी को देखकर नितिन को पहचान लिया कि ये उसका भाई नितिन है। इस तरह से शव की पहचान तो हो गई, लेकिन अब एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़कर कातिल तक पहुंचना था। सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि नितिन का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं है। इसके बारे में पता लगाया जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। शायद नितिन कभी किसी चीज को लेकर के परेशान हो और इन लोगों से बात किया हो, लेकिन इसमें भी कोई सुराग नहीं मिला। घर वालों के अनुसार 30 मार्च की शाम को नितिन घर से निकला था और वो भी अकेले। वैसे पुलिस को इसके टुकड़े 31 मार्च की सुबह में मिले थे। पुलिस अब ये फैसला करती है कि नितिन के घर के आसपास में जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन सबको देखा जाएगा। चूंकि शव की पहचान हो गई तो नितिन की फोटो भी मिल गई थी। सीसीटीवी को देखें तो शायद कुछ मिल जाए, शायद पता चल जाए कि वो किस दिशा में गया था, अकेले गया था या फिर किसी के साथ गया था। जिस भी दिशा में गया हो वहाँ नितिन के कौन कौन से दोस्त या जानने वाले रहते हैं, इन सबसे भी कुछ पता चल जाए। इसके बाद पुलिस संत नगर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू कर देती है। वैसे वहाँ पर कुछ खास सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे। वहीं एक मेडिकल शॉप थी, वहाँ पर कुछ कैमरे लगाए गए थे। पुलिस यहाँ के फुटेजेस देखना शुरू कर देती है। देखते देखते पुलिस की नजर कुछ सेकंड की क्लिप पर पड़ती है। इसमें एक लड़का बाइक लेकर आया, तभी कहीं से दूसरा लड़का आकर बाइक पर पीछे बैठ गया और बाइक निकल गई। कुछ ही सेकंड का ये क्लिप था, फुटेज भी क्लियर नहीं थी। नितिन के भाई को ये क्लिप दिखाई जाती है। भाई पीछे बैठने वाले लड़के को पहचान जाते हैं, वो लड़का नितिन था। चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लड़के के अंदाज से और उसके कपड़ों से भाई पहचान गए कि ये नितिन है। पुलिस अब नितिन के भाई से बाइक चलाने वाले लड़के के बारे में पूछती है। भाई इसको पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि फुटेज साफ नहीं था और जूम करने पर चेहरा और भी धुंधला हो जा रहा था। पुलिस अब इस क्लिप को इनलार्ज करने के लिए एक्सपर्ट्स के पास भेज देती है। कुछ समय के बाद फुटेज इनलार्ज होकर के आती है। नितिन के भाई लड़के को देखते हैं और पहचान जाते हैं। ये लड़का नितिन का दोस्त था, इसका नाम है हैप्पी। वैसे ये कुछ खास दोस्त भी नहीं था, केवल थोड़ी बहुत जान पहचान थी। पुलिस को अब हैप्पी नाम के एक आदमी के बारे में पता चल गया। पुलिस इसके घर पर जाती है, हैप्पी के घर वालों से पूछताछ करती है। हैप्पी के घर वाले कहते हैं कि वो तो 30 मार्च की शाम से ही घर पर नहीं आया। इन्होंने भी अपने बच्चे की मिसिंग कंप्लेन नहीं कराई थी। एक दोस्त का शव मिला दिल्ली की सड़कों पर और दूसरा दोस्त गायब है जिसके साथ नितिन गया था। पुलिस के मन में एक तरफ था कि हैप्पी ने ही नितिन के साथ वो सुलूक किया होगा और दूसरी तरफ था कि कहीं किसी और ने हैप्पी के साथ भी वही अंजाम तो नहीं कर दिया जो नितिन के साथ हुआ। अगर ऐसा है तो उसका भी शव मिलना चाहिए, लेकिन हैप्पी का शव अभी तक कहीं मिला नहीं था। इसका मतलब कि वो जिंदा होगा। अब पुलिस हैप्पी के घर वालों से हैप्पी का फोन नंबर लेती है और उसको ट्रेस करना शुरू कर देती है। साथ में कॉल डिटेल्स के बारे में भी जांच की जाती है। ट्रेसिंग के दौरान पता चला कि हैप्पी 30 मार्च की शाम को इसी मेडिकल शॉप के पास आया था और इसी दौरान वो एक लड़के से फोन कॉल पर बात कर रहा था। आगे जांच करने पर उस लड़के के बारे में भी पता चलता है। लड़के का नाम था पवन। हैप्पी शाम के समय नितिन को बाइक पर बिठाकर वहां ले गया जहां पर पवन की भी लोकेशन दिखा रही थी और देर रात तक दोनों की लोकेशन सेम रही। जैसे ही पवन की करंट लोकेशन पता चलती है वैसे ही पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो पवन का घर था। पुलिस घर के अंदर आती है, वहां पर पवन भी मौजूद था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसके घर में हर तरफ खून ही खून बिखरे हुए थे। फर्श पर, जगह जगह की दीवारों पर, इसके बेडरूम में भी, बेड पर भी। वैसे वो बेड एक बेड बॉक्स था। उस बेड बॉक्स को खुलवाया जाता है, बेड बॉक्स के अंदर भी खून के धब्बे मिलते हैं। वहीं पास में ही एक तेज धार हथियार भी रखा हुआ था, उस पर भी खून लगे हुए थे। यानी इसी हथियार से सारा कांड किया गया होगा। इसके बाद पुलिस पवन के घर को सील करती है और उसको अरेस्ट कर लेती है।
फिर उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आया जाता है। पुलिस स्टेशन में आते ही पवन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसके जरिए हैप्पी भी पकड़ा जाता है। हैप्पी ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस के मन में ये सवाल था कि इन्होंने अपने ही दोस्त को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, इसके पीछे का मकसद क्या था, मोटिव क्या था जिसने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले इन दोनों ने कांड को कैसे अंजाम दिया इसकी कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ यूँ थी कि 30 मार्च की शाम को हैप्पी एक बाइक से नितिन को लेने के लिए उसके घर के पास जाता है। वहीं पर मेडिकल शॉप थी। हैप्पी बाइक वहीं पर खड़ी करता है। नितिन बाइक पर बैठता है और दोनों पवन के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाने की वजह ये थी कि इन तीनों का प्लान था कि 30 मार्च की रात को ये खूब पार्टी करेंगे। इसी सोच के साथ नितिन पवन के घर पर गया था, लेकिन पवन और हैप्पी की सोच तो कुछ और ही थी। दिल्ली में ही बुरारी नाम की जगह है, यहीं पर पवन रहता था। तो हैप्पी नितिन को पवन के घर पर लाता है। पवन और हैप्पी ने मिल करके नितिन को खूब शराब पिलाई। जब ये नशे में बेसुध हो गया तो दोनों ने मिलकर एक धारदार हथियार से नितिन का गर्दन रेत दिया। इसके बाद दोनों ने नितिन को बेड बॉक्स में बंद कर दिया और घर से बाहर चले गए। ये कहीं से एक वैगनार गाड़ी रेंट पर लेते हैं और गाड़ी लेकर के घर आ जाते हैं। इसके बाद ये नितिन के शव को बेड बॉक्स से बाहर निकालते हैं और एक के बाद एक अंगों को काटते हैं, जैसे कि दोनों हाथ, दोनों पैर, सर और धड़। नितिन के चेहरे को इन्होंने इस कदर बिगाड़ा कि कोई उसे पहचान न पाए। फिर ये टुकड़ों को प्लास्टिक बैग्स में भरते हैं और वैगनार गाड़ी में रख करके घर से निकल पड़ते हैं। ये 30 मार्च के रात की ही बात है। इनका प्लान था कि ये टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकेंगे ताकि इन्हें कोई पहचान न पाए और पुलिस पता भी ना लगा पाए कि ये लाश किसकी है। ये दिल्ली के आउटर रिंग रोड से लेकर के मजनू का टीला नाम की जगह के बीच में टुकड़ों को फेंकते हैं। इसके बाद 31 मार्च की सुबह में क्या क्या हुआ वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इस कांड को करने के पीछे इनका मोटिव क्या था इसके बारे में भी ये बताते हैं। तो ये बात है घटना के 2 साल पहले की, यानी 2015 की। पवन और हैप्पी के एक एक भाई थे, सूरज और लकी, और नितिन इन दोनों का ही दोस्त था, ना कि पवन और हैप्पी का। तो सूरज, लकी और नितिन तीनों अच्छे दोस्त थे, साथ में घूमना फिरना था। ये अक्सर यमुना नदी में नहाने के लिए जाया करते थे। ये वहीं पर खेलते कूदते मजे करते, यमुना नदी के किनारे पार्टी भी करते थे। इसी तरह 15 अगस्त 2015 को तीनों दोस्त नितिन, सूरज और लकी इंडिपेंडेंस डे के दिन सुबह में यमुना नदी में नहाने के लिए जाते हैं। नहाते समय अचानक से नदी में एक तेज बहाव आता है जिसमें सूरज और लकी बहकर नदी की गहराई की तरफ चले जाते हैं। जैसे तैसे नितिन ने तेज बहाव से खुद को बचा लिया और ये बचकर नदी से बाहर आ गया, लेकिन बदकिस्मती से सूरज और लकी की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। कुछ ही मिनटों में खबर मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और दोनों शवों को नदी से बाहर निकालती है। नितिन ने बताया कि हम लोग स्विमिंग कर रहे थे, तभी अचानक से एक तेज बहाव आया, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया, लेकिन सूरज और लकी खुद को नहीं संभाल पाए। वहां पर कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भी ये होते हुए देखा था और वो नितिन के बयान की पुष्टि भी करते हैं। इसके बाद पुलिस का जो काम था वो किया गया, फिर बॉडीज को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इसी घटना को लेकर सूरज और लकी के भाई पवन और हैप्पी के मन में जिंदा बचे तीसरे दोस्त नितिन के लिए खटास पैदा होने लगी। इनको लगा कि नितिन ने इनके भाइयों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। वो चाहता तो उनको नदी में दूर जाने से रोक सकता था क्योंकि वो उम्र में बड़ा था और समझदार भी था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हैप्पी और पवन के मन में बदले की भावना पैदा होने लगी। इनको अब नितिन से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना था। चूंकि नितिन सूरज और लकी का दोस्त था तो इसी तरह से पवन और हैप्पी ने भी नितिन से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे इनकी आपस में बनने लगी। नितिन का भरोसा पवन और हैप्पी ने जीत लिया। फिर इन्होंने नितिन के लिए सारी प्लानिंग की और इस प्लान को अंत तक पहुंचाया। ये सारी कहानी पुलिस पवन और हैप्पी के जरिए सुनती है। इन दोनों के अनुसार नितिन की वजह से ही इनके भाइयों की जान गई थी। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस अब 15 अगस्त 2015 को यमुना नदी में हुए उस एक्सीडेंट की फाइल निकलवाती है, उसको इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। अब यमुना नदी में नहाने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है। कड़ी मेहनत करने के बाद वो लोग मिलते हैं जो उस दिन यमुना नदी में हुए उस घटना के चश्मदीद गवाह थे। ये अपने बयान में बताते हैं कि उस दिन जब ये तीनों नदी में नहाने के लिए आए, थोड़ी देर ये किनारे पर साथ में रहे, फिर उनमें से दो दोस्त मस्ती में नदी के बहाव की तरफ तैरते हुए चले गए। हालांकि तीनों में से कोई भी अच्छा तैराक नहीं था, तीनों अभी नौसिखिए थे, तो तैरते तैरते दो दोस्त नदी के तेज बहाव की तरफ जाने लगे। अचानक से नदी का बहाव और भी तेज हो गया। दोनों दोस्तों ने अपना संतुलन खो दिया और डूबने लगे। चूंकि नितिन अच्छा तैराक नहीं था तो वो जा नहीं सकता था, वरना वो भी डूब जाता, इसलिए वो नदी के किनारे से लोगों को मदद के लिए चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा।
जब तक कोई मदद पहुंचती तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। पुलिस लोगों से ये सारी कहानी सुनती है। निष्कर्ष ये निकला कि उस दिन जो भी नदी में हुआ वो एक हादसा था, इसमें नितिन का कोई भी दोष नहीं था। अब पुलिस यमुना नदी में हुई वो सारी चीजें पवन और हैप्पी को बताती है। इन दोनों ने सारी बातें अच्छे से सुनी। इनको अब थोड़ा पछतावा होता है, इन्होंने उस घटना को ठीक से जानने की कोशिश भी नहीं की थी। इनके ऊपर केवल ये भूत सवार था कि नितिन से भाइयों की मौत का बदला लेना है। जिस बेदर्दी से इन्होंने नितिन के साथ वो कांड किया जो एक बदले के लिए था, पवन और हैप्पी को अब एहसास होता है कि वो बदला नहीं बल्कि एक गलतफहमी थी। दो परिवारों के बच्चे पहले ही एक हादसे में दुनिया छोड़कर चले गए। एक गलतफहमी की वजह से तीसरे परिवार के एक बेटे को उस चीज का अंजाम भुगतना पड़ा जिसको उसने किया भी नहीं था, जिसको करने के लिए शायद वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। जिन दोनों परिवारों ने हादसे में अपने बच्चों को खो दिए, उन्हीं दोनों परिवारों के बच्चे आज जेल में सजा काट रहे हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।